हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की। इस थ्योरम का रिजल्ट आपको पता होना चाहिए, जिसका यूज हम आगे भी काफी थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए करते हैं। सो यहाँ सबसे पहले मैं स्टेटमेंट बता देती हूँ थ्योरम की, बिकॉज यहाँ पर स्टेटमेंट आपके जब एग्जाम्स में आती है तो कई तरीकों से आती है, दो तीन वे से, तो आपको समझना चाहिए कि वो स्टेटमेंट फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म की है। इसलिए मैंने यहाँ तीन स्टेटमेंट लिखी हैं। ये तीनों आपकी सेम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म की स्टेटमेंट है, जस्ट उसका वे ऑफ एक्सप्रेस करने का कुछ अलग डिफरेंट वे है। एक में हमने सपोज किया, एक में हमने नहीं सपोज किया है, उसका लैंग्वेज के थ्रू उसका स्टेटमेंट लिखा है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है, एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ ग्रुप जी इज आइसोमॉर्फिक टू सम कोशेंट ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, यहां पर आप देख रहे होंगे कि यहां पर हमने टर्म्स का यूज किया है। सबसे पहला टर्म है होमोमॉर्फिक इमेज। होमोमॉर्फिक इमेज क्या होता है? तो जब हमारा कोई फंक्शन एफ जी से जी डैश पे डिफाइन हो, और वो कैसा फंक्शन हो? होमोमॉर्फिक फंक्शन हो। सो जो जी डैश है वो कहलाता है होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ग्रुप जी। ठीक है, जैसे कि अगर मैं ये मान लूं कि एक फंक्शन है हमारा एफ फ्रॉम जी टू जी डैश, तो ये फंक्शन हमारा होमोमॉर्फिज्म है, ऑन टू है। सो होमोमॉर्फिक इमेज क्या होगी? जी डैश होगी। सो यही जी डैश, ये जी डैश क्या होता है? आइसोमॉर्फिक होता है। आइसोमॉर्फिक होता है कोशेंट ग्रुप के। और कोशेंट ग्रुप कैसे बनाते हैं? सो जी अपॉन के, इस टाइप का कोशेंट ग्रुप बनता है, जी अपॉन एच। आपको एक सब ग्रुप लेना है जी का कोई सब ग्रुप। अगर हमने एच लाना है, इसका कोई सब ग्रुप एच, तो जी अपॉन एच क्या होगा? कोशेंट ग्रुप होगा। तो वो जो हमारा जी डैश है वो कोशेंट ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होता है, ये हमें प्रूव करना है। यहाँ पर हम सब ग्रुप क्या ले रहे हैं? जी का कर्नल ले रहे हैं, बिकॉज आप जानते हैं कर्नल भी डोमेन का ही सबसेट होता है। सो यहाँ पे हमें कर्नल क्या लेना है? सब ग्रुप मानना है। तो कोशेंट ग्रुप हमारा हो जाएगा जी अपॉन के। सो हमें ये प्रूफ करना है कि जो जी डैश है ये आइसोमॉर्फिक है जी अपॉन के, और जी अपॉन के क्या है? कोशेंट ग्रुप। आइसोमॉर्फिक क्या होता है? तो ये भी एक टर्म है जिसकी डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी कि तीन कंडीशंस रहती है, होमोमॉर्फिज्म, वन वन एंड ऑन टू। ये तीन कंडीशन अगर एक फंक्शन सेटिस्फाई करता है सो ये फंक्शन बन जाता है आइसोमॉर्फिक। तो हमें यही तीनों कंडीशन प्रूव करनी होगी जी डैश को जी अपॉन के आइसोमॉर्फिक करने के लिए। नाउ नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है ये भी, इसमें आपका टर्म्स ज्यादा एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, जैसे कि जी एंड जी डैश भी टू ग्रुप। पहले हमने दो ग्रुप ले लिए, फिर एक फंक्शन एफ डिफाइन कर दिया जी से जी डैश में, होमोमॉर्फिज्म वाला फंक्शन। होमोमॉर्फिज्म है कहां से कहां तक? जी ऑन टू जी डैश। तो यहां पर ये जो एफ है ये होमोमॉर्फिज्म है और ये ऑन टू है, ऐसा फंक्शन हमने डिफाइन किया है। तब हमें ये प्रूफ करना है कि जो जी अपॉन के कोशेंट ग्रुप बनेगा वो आइसोमॉर्फिक होगा इस जी डैश के, वेयर के इज द कर्नल। कर्नल क्या होता है? कर्नल आपका डोमेन का सबसेट होता है, और वो एलिमेंट्स कंटेन करता है जो कि इधर पर ई डैश के साथ मैप करते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ मैप करते हैं। उन सारे एलिमेंट्स को आप एक सेट में बना लेंगे तो वो कहलाएगा कर्नल ऑफ ग्रुप जी। इसके बाद थर्ड स्टेटमेंट, ये बहुत इजी है, इसमें तो डायरेक्टली लिखा रहता है स्टेट एंड प्रूविंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स। तो ये तीन तरीके से एग्जाम्स में पूछा जाता है, जो भी बीएससी कर रहे हैं उनके लिए टाइप से स्टेटमेंट्स पूछे जाते हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए कि तीनों स्टेटमेंट इसी के हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म के। और जो इसमें रिजल्ट है वो ये है कि अगर आपको कोई फंक्शन दिया है ग्रुप जी से जी डैश में जो कि होमोमॉर्फिज्म है, ऑन टू है, तो आपका जी डैश है जो रेंज सेट है, जो इमेज सेट है, वो क्या होगा? जी अपॉन के आइसोमॉर्फिक होगा।